जॉब जो है ना वो बिल्कुल इजी होनी चाहिए हमारी, उससे क्या कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी, आप बोलने चालने में भी खुल जाओगे, गर्ल्स के लिए भी सुटेबल है ये जॉब, और सबसे मेन चीज भाई पीआर में भी हेल्प हो जाती है इस जॉब के अंदर। सिस्टर भी आगे ऊपर करवा के। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया के अंदर जो गैस स्टेशन होते थे ना, गैस स्टेशन तो चलो इधर नाम इन्होंने दे रखा है, इंडिया के अंदर जो पेट्रोल पंप होते थे ना, वहां पे तो अपने कार के अंदर बैठ के सीधा ऑर्डर मारते थे कि भाई 100 का डाल दे, 200 का डाल दे, 500 का डाल दे। बट भाई कनाडा के अंदर ये चीज बिल्कुल नहीं होती, लोगों को खुद से अपना जो फ्यूल है डालना पड़ता है, अपना जो काम रहेगा वो अंदर बैठ के आराम से POS संभालना है, POS जो इधर का कंप्यूटर होता है जिसके अंदर अपने सारे ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं। तो चलो फिर आज की वीडियो के अंदर ना आपको पूरा गैस स्टेशन दिखाते हैं कि गैस स्टेशन में क्या कुछ होता है, कितनी पे मिलती है, शिफ्ट वगैरह का क्या सीन होता है और क्या क्या बेनिफिट्स है गैस स्टेशन पे काम करने के। तो मेरे को क्या है कि पूरा एक साल हो चुका है गैस स्टेशन पे काम करते हुए, तो आपको आज की वीडियो के अंदर अपना भी सारा एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। तो बिना टाइम को वेस्ट करें जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं, आपको गैस स्टेशन का पूरा टूर देते हैं कि कनाडा के गैस स्टेशन पे क्या क्या चीज होती है। मैं शेल के गैस स्टेशन पे काम करता हूँ और ये चीज देख के आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटीज रहती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो सबसे पहले अपने फ्यूल मशीन ही देख लेते हैं। कनाडा के अंदर हमें खुद से फ्यूल भरना पड़ता है, ये दी नोजल उठाओ, ग्रेड जो भी आपको डालनी है वो सिलेक्ट करो और अपने कार में भरो। और भरने के भी भाई दो सिस्टम होते हैं, या तो आप अंदर जाके पहले पैसे दे के आओ, या फिर अगर उन्होंने पहले फ्यूल भरना है तो वो नोजल उठाते हैं और जिससे कि हमें पता चल जाता है, अगर हम अंदर से ऑथराइज करेंगे तभी फ्यूल डलना स्टार्ट होगा वरना नहीं हो पाएगा। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ चुके हो कि अंदर बैठ के कैमरेज वगैरह में POS पे चेक करना है कि कौन कौन सी गाड़ी आई है जो फ्यूल भरना चाह रही है, और अगर कोई अप्रूवल मांग रहा है तो उनकी प्लेट्स वगैरह चेक करके उन्हें अप्रूवल दे दो कि भाई तू भर ले पहले तेल। उसके बाद गाइस जो दूसरी चीज है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, तो गैस स्टेशन के अंदर कार वॉश भी होता है। हमारे यहाँ जो कार वॉश है ना वो टचलेस है, मतलब कि आपको अंदर ब्रशेस नहीं दिख रहे होंगे। तो गाइस इस साइड से पहले गाड़ियां अंदर आती है, ये जो येलो येलो दिख रहा है ना दोनों साइड, इससे पहले क्या होता है कि गाड़ी के व्हील्स वगैरह सारे जो धुल जाता है, गाड़ी नीचे से साफ हो जाती है, और फिर ये जो आपको दो हैंडल्स दिख रहे हैं ये मूव होते हैं आगे पीछे, और इससे सारी कोटिंग वगैरह जो भी है, शैम्पू वगैरह या फिर सरफेस शाइनर है, जो भी है, अलग अलग वो पैकेजेस होते हैं, उस हिसाब से सारी कोटिंग होती है और इसी से पानी निकलता है। तो ये सारा फुली ऑटोमेटेड है। और उसके बाद जो अंदर आपको वो लाल लाल दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, गाइस वो है ड्रायर यहाँ के। तो मैंने जब अभी सुबह कार वॉश ली थी वो क्लिप भी आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इनका एयर प्रेशर इतना होता है कि सारी गाड़ी से पानी अपने आप ही सूख जाता है, तो इससे ये फायदा हो जाता है कि हमारा टाइम बहुत बचता है, हमें गाड़ी बाहर ला के सुखानी नहीं पड़ती, सिर्फ धीरे धीरे गाड़ी बाहर निकालो आपकी सारी गाड़ी सूख जाती है। उसके बाद भाई गैस स्टेशन के बाहर ही जैसे कार वॉश है उसके बाहर ही वैक्यूम मशीन भी लगी होती है, इधर आप अपना फोन टैप कर सकते हो, $2.5 लगेंगे, उसके बाद ये अपने आप वैक्यूम स्टार्ट हो जाता है, आप खुद की गाड़ी आराम से यहाँ पे लाके वैक्यूम वगैरह कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे जो है टायर इन्फ्लेटर भी है, अगर आपको गाड़ी के टायर में हवा हुआ भरनी है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे टैप कर सकते हो, $2 के अंदर आपकी गाड़ी के टायरों में हवा भी भरी जाएगी। तो भाई ये तो हो गया सारा सीन बाहर का, पीछे कार वॉश आपने देख लिया और यहाँ पे ये जो पंप वगैरह की मशीन लगी है ये देख लिया, अब अपने चलते हैं अंदर। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करने लगोगे बाहर आपको तीन चीजें दिखेंगी, इसके अंदर आइस पड़ी होती है सारी, और ये जो है फायरवुड वगैरह यहाँ पे बहुत फेमस है, आपको पता है बीच बीच पे जाके लोग फायरवर्क करके बैठ जाते हैं, लकड़ियां वगैरह को आग लगा के बढ़िया हाथ उत सेकते रहते हैं। और ये जो फ्लूड है गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कनाडा की, ये क्या -45 डिग्री सेल्सियस तक जमता नहीं है, तो गाड़ियों के अंदर अपनों को सर्दियों में यही डालना पड़ता है, क्योंकि जब भी 0 डिग्री से नीचे जाएगा टेम्परेचर, अगर आपने पानी भर रखा है वो तो बर्फ बन जाएगा, तो फिर आप शीशे कहाँ से साफ करोगे। तो यहाँ पे ये देखोगे ये सारे प्रोपेन वाले सिलेंडर है, और अब अपने चलते हैं अंदर। कैसा लग रहा हूँ मैं, ये अंदर आते ही आप खुद को देखोगे सेलिब्रिटी की तरह स्क्रीन पे, और ये रहा भाई पूरा गैस स्टेशन। तो एक फायदा गैस स्टेशन में काम करने का ये होता है कि आप कभी भी भूखे नहीं मरते। बट लास्ट वीडियो जिन्होंने भी देखी है भाई, अब अपनों ने 100 डे वाला चैलेंज लिया होगा, तो ये चिप्स वगैरह और ये चॉकलेट वगैरह इन सबसे बिल्कुल दूर रहना है। एक चीज यहाँ पे कनेडियंस को बहुत पसंद है जो कि है थर्स्ट बस्टर, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ही है बट ये आइस की तरह निकलती है, तो अपने वो जो बर्फ के गोले वोले खाते थे ना यहाँ पे, ये कोल्ड ड्रिंक्स के बना बना के खाते हैं सारे। और साथ में यहाँ पे पीछे कॉफी मशीन वगैरह है, कस्टमर्स आके अपनी कॉफी वगैरह बना के भी पी सकते हैं। और गैस स्टेशन के अंदर ये ऑटोमोबाइल सेक्शन भी होता है, इसके अंदर गाड़ी लिए जितनी भी एसेंशियल चीजें होती है सारी पड़ी होती है, आप आके यहाँ से परचेज कर सकते हो। और ये जो जंप स्टार्ट केबल्स है ना गाइस, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, इधर सर्दियों के अंदर बैटरी बहुत डेड होती है कारों की, तो ये केबल्स आपको जरूर रखनी चाहिए, मैंने खुद ने भी लेके रखी भी है। बहुत बार जब भी आपकी बैटरी डाउन हो जाती है आप दूसरी गाड़ी को सामने लगा के उसकी बैटरी से बूस्टअप देके अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। और अंदर ही गैस स्टेशन की ATM मशीन भी होती है, अगर आपको कैश की नीड है तो आप अंदर से कैश भी निकलवा सकते हो। और फिर आपको आगे लॉटरी वाला सिस्टम भी दिखाएंगे, यहाँ पे आके कस्टमर्स अपनी जो भी लॉटरी वगैरह खेलते हैं वो खुद से भी चेक कर सकते हैं पहले, ताकि पेपर वगैरह वेस्ट ना हो। और फिर अपने चलते अपने सिंहासन की तरफ। तो तनिष सर आए हैं, बर्थडे में सिर्फ कितने मिनट बचे हैं, 20 मिनट। तो केक वेक लेके आए हैं, अभी केक वगैरह काटेंगे। सर थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम सर। तो सर की शिफ्ट अभी खत्म हुई थी दूसरे गैस स्टेशन पे, तो ये मेरे पास आ गए थे। तो ये जो है मशीन है ये लॉटरी वाली है,
तो हमें सारा ये देख रहे हो सिस्टम ऑपरेट करना है। इंडिया के अंदर जो पेट्रोल पंप पे काम करना होता है वो बहुत डिफरेंट थिंग है। जब भी आप इंडिया किसी को बताते हो ना मैं गैस स्टेशन पे पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ, तो गाइज आप तेल नहीं भर रहे किसी की गाड़ियों में, तो आप एक्चुअल में यहाँ पे ये जो सिस्टम वगैरह लगा हुआ है ये संभालने का आपका काम होता है। तो भाई अब अपने पेरेट की भी बात कर लेते हैं कि भाई पैसे कितने मिलते हैं यहाँ पे काम करने के। तो भाई यहाँ पे जो पेरेट है ना वो $15 मिलते हैं एक घंटे के, अगर अपने इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग ₹900 हो जाते हैं घंटे के। तो अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट यहाँ पे लगा के जा रहे हो तो आपके बढ़िया 5,000-5,500 रुपए बनते हैं एक दिन के। तो भाई यहाँ पे आपको शिफ्ट वगैरह का सीन भी बता देते हैं। या तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिलती है जो कि 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक होती है, या फिर आपको मिलती है इवनिंग शिफ्ट जो कि होती है 3 बजे से लेकर 11 बजे तक। और अगर आपको रातों को जागना ज्यादा अच्छा लगता है तो आप नाइट शिफ्ट ले सकते हो जो कि होती है 11 बजे से लेकर 7 बजे तक की। तो मैंने कहा स्टूडेंट लाइफ के अंदर सारी नाइट शिफ्टिंग करी है, उसका रीजन आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि दिन में अपनों को कॉलेज वगैरह जाना रहता है तो अपने रिस्क नहीं ले सकते। और साथ में रात को ना एक फायदा होता है, यहाँ पे जो बाहर का डोर है ना हमें लॉक करना होता है, और ये जो विंडो है यहाँ से हम डील करते हैं तो हम किसी भी कस्टमर को अंदर नहीं आने देते। तो रात वाले बंदे की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है फिर कि उसको स्टोर का क्लीनअप करके और स्टॉकिंग करनी होती है। तो ये चीज ना फिर आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप ये सारे काम कितनी देर में खत्म कर सकते हो। उसके बाद जो रात का फिर टाइम बचता है ना 2 बजे से लेके 5 बजे तक सुबह, तो उस टाइम के अंदर मोस्टली यही होता है कि कोई भी कस्टमर नहीं आता, तो तब आप बैठ के आप अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह बना सकते हो, आपका कोई भी वर्क है लैपटॉप के ऊपर वो कर सकते हो। सो इसलिए मेरे को बड़ा सुटेबल लगा था और मैंने नाइट शिफ्ट ही करी है अभी तक 1 साल। तो आपको एग्जांपल भी दिखा देते हैं, आप 11 से ऊपर हो चुके टाइम, तो इसलिए हमने गेट बंद कर दिया है। अब जो कस्टमर है वो बाहर विंडो से अपना जो भी सामान वगैरह लेना है तो वहीं से लेगा। सो इसलिए ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। शेल खुद कहती है कि हमारे जो एम्प्लॉई है हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए आपको गेट नहीं खोलना सुबह 6 बजे तक, गेट बंद करके आराम से अंदर बैठो। और जैसे ही आप गाइस खुलने लग जाओगे, लोगों से बात बात करोगे, आपकी शाइनेस भी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप खुद फील करोगे कि 4-5 दिन यहाँ पे काम कर लोगे ना, उसके बाद बढ़िया लोगों से आंखों से आंखें मिला के बढ़िया बात किया करोगे, और सच्ची बता रहा हूँ मन लगा रहता है। अगर जो भी नए स्टूडेंट है जो कनाडा में है, अगर ये वीडियो जो देख रहे हैं तो गाइस उन्हें पता होगा, अगर आप वेयर हाउस वगैरह में कहीं पे काम करके आए हो, वो काम करने के बाद अगर आप इस तरीके का यहाँ पे आके काम करते हो ना तो ये काम बिल्कुल मक्खन की तरह लगता है। तो गाइस ये तो हो गए बेनिफिट्स। उसके बाद अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई यहाँ पे अपने आए हैं पढ़ने, वर्क एक्सपीरियंस गेन करने, उसके बाद हमें पीआर का भी देखना है। तो क्या हमें इस जॉब से पीआर में हेल्प होती है या नहीं होती, इसके बारे में बात करते हैं अब अपने। तो गाइस ये चीज अब डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस पे, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपका बॉस के साथ कैसा है रिलेशन। तो नॉर्मली यही होता है कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म उनके पास काम कर रहे हो, देन वो आपको प्रमोशन दे देते हैं एज अ सुपरवाइजर या मैनेजर, जिससे कि आपका नोकबी का एक्सपीरियंस हो जाता है आपके पास, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल लगाने के लिए। सो द आंसर इज यस। तो ये जॉब से आपने सुना भी होगा बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो पीआर लगवाते हैं अपनी, और मेरे भी काइंड ऑफ अभी यही प्लान्स हैं कि मैं गैस स्टेशन ही काम करने वाला हूं, और देखेंगे साथ में, यू नेवर नो, 2-3 साल बाद खुद का ही अगर मन कर जाए एक आधा गैस स्टेशन एज अ बिजनेस अपने खुद भी स्टार्ट कर लें। तो मेरे पास मौका था ये जॉब छोड़ने का, मेरा फ्रेंड अर्चित, मैं वीडियोस में आपको दिखाते ही रहता हूँ, जो कि पीआरसी है पैराडिन में, तो उसने मेरे को रेफरेंस दे के बढ़िया $19 की जॉब भी लगवाया था, जो कि व्हाइट कॉलर जॉब थी, ऑफिस की जॉब थी। बट वो काम करने के बाद ना मेरे को 3-4 दिनों में ही समझ आ गया था कि मेरे जो गोल्स हैं, मेरे को अभी जिस तरीके से टाइम को अपना इन्वेस्ट करना है ना, वो मेरे को सही नहीं लगा, तो इसलिए मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी थी। तो गाइस बाकी की जो बातें हैं ना वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, क्योंकि टाइम हो चुका है 11:58। तो बर्थडे स्टार्ट होने वाला है, आप खुद भी सोच रहे होगे ये कैसा आदमी है बर्थडे से 2 मिनट पहले भी व्लॉगिंग कर रहा है। सर 1 मिनट रह गए, गेट खोल दो, अंदर आ जाऊं। मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी वैसे, मेरे को लगा था जब 12 बजेंगे तब अकेला सड़ रहा हूँ गैस स्टेशन पे बैठ के, बट चलो भाई आ गया, अब केक वगैरह कट करते हैं अपने। तो भाई इस वीडियो से मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, जितने भी बच्चे इंडिया से पढ़ने आ रहे हैं गाइज, यहाँ पे आके खूब मेहनत करनी है, कोई अपनों को एक्सक्यूजेज नहीं बनाने की हमारा बर्थडे है, हमें पार्टी करने जाना है, काम सबसे पहले और बाकी चीजें बाद में। केक खाने में इतने बिजी हो गए, एक चीज तो हम भूल ही गए, इस पे फूंक तो मारी नहीं। तो ठीक है बाद में सही है। तो भाई दूसरा सरप्राइज और मिल गया काम करते करते, थोड़ा सा लेट हो गई अनुभाने में, बट सिस्टर भी आगे उभर कर आके, तो अब अपने दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार फूंक मारना भूल गया था, इस बार भूलूंगा नहीं। ओके स्टार्ट करें फिर, 1, 2, 3 स्टार्ट।
तो गाइस बीच में बर्थडे वाला ब्रेक आ गया था, अपने वीडियो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मैं यही चीज कह रहा था कि अगर आप इंडिया से नहीं आ रहे हो, अगर आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, तो एक बार गैस स्टेशन की जॉब की भी ट्राई करना। सबसे मेन चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई कि ये जॉब मिलती कैसे है, तो गाइस ये चीज मैं आपको सीधी सीधी बताऊंगा कि गैस स्टेशन वाली जो जॉब होती है ना, वो काइंड ऑफ रेफरेंस से ही मिलती है आपको। आप ऑनलाइन वगैरह भी अप्लाई करके देख सकते हो, बट अगर आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी गैस स्टेशन पे काम कर रहा है तो आप उससे जाके बोलो कि भाई मेरे को धीरे धीरे शिफ्ट दिलवा, तो वो बात करके आपको लगवा सकता है। और ये चीज मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि अगर आप नए स्टूडेंट हो, एक बार ट्राई जरूर करना गैस स्टेशन पे भी काम करके, वहाँ का एक्सपीरियंस देखना आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। बाकी जॉब्स की तो अपॉर्चुनिटीज आपको पता ही है और बहुत है, बहुत सारी मैंने खुद ने भी वीडियोस डाली है, जितने भी मेरे कलीग्स थे जो अलग अलग जॉब्स में काम करते थे। सो यहाँ के वही है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, फ्रॉम द डे वन आपकी पूरी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से अपना फ्यूचर आगे शेप करना है। तो ठीक है गाइस, अब आज की वीडियो के इधर ही खत्म करते हैं क्योंकि मेरे को जल्दी से अभी इसको पोस्ट भी करना है। सो होपफुली घंटे डेढ़ घंटे तक आप सबके पास पहुंच जाएगी ये वीडियो। और अगर आप गाइस कोई बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर अपनी उंगलियां देके मारो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है गाइस, अब अपने मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल जाके बर्थडे का कुछ स्पेशल करने वाले हैं, वो सारा आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।